एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ईजी टू स्टिच आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हैंकर चिप स्कर्ट फॉर टू टू थ्री ईयर्स बेबी तो चलिए शुरू करते हैं हैंकर चिप्स कर्ट बनाने के लिए आपको चाहिए वन मीटर शिफॉन फैब्रिक और फ्लोई फैब्रिक फ्लोई फैब्रिक लाइक जिसका फॉल अच्छा गिरता हो लाइक जॉर्ज शिफॉन सेटिन या आपके पास कोई ओल्ड साड़ी हो जिसका टेक्सचर बहुत ही फ्लोई टाइप हो तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हमारे स्कर्ट की लेंथ हमने ली है ट्वेंटी इंचेस प्लस हमने इसमें टू इंचेस ऐड किए हैं सो टोटल लेंथ हुई हमारी ट्वेंटी टू इंचज़ विथ मार्जिन आपको जितनी लेंथ का ये स्कर्ट बनाना है आप बना सकते हैं सेकेंड मेजरमेंट जो हमें चाहिए वो है वेस्ट राउंड वेस्ट राउंड भी हमारा है ट्वेंटी इंचेस जिसे हम फोर से डिवाइड करेंगे यानी कि वन फोर्थ पार्ट लेंगे उसका प्लस उसके अंदर टू इंचेस ऐड करेंगे फॉर मार्जिन सो ट्वेंटी का वन फोर्थ हो जाएगा फाइव प्लस टू इंचेस ऐड करके हो जाएगा टोटल सेवन इंचेस सो ये मेजरमेंट हमें जब हम स्कर्ट का बेल्ट निकालेंगे तब काम आएगा हैंकर चीफ स्कर्ट बनाने के लिए हमें ये दो ही मेजरमेंट की ज़रूरत होती है मैंने यहाँ पे 22 टू बाई ट्वेंटी टू के दो स्क्वायर पीसेस निकाले हैं आपकी जो भी लेंथ है आप उस हिसाब से दो स्क्वायर पीसेस निकालेंगे और उसको कुछ इस तरीके से इस शेप में प्लेस करेंगे फैब्रिक मार्किंग करते वक्त हिल ना जाए इसलिए मैं टकिंग पिनस का यूज़ कर रही हूँ आप भी टकिंग पिन लगा कर काम कीजिए सो जो भी आप स्टिच कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट स्टिच होगा अब मैं यहाँ पे मार्क करूँगी सेंटर कुछ इस तरीके से हमें इसका सेंटर मार्क करना है वीडियो में ध्यान से देखिए सेंटर से अब हम दोनों साइड पे 5.5 पॉइंट इंचज पे मार्क करेंगे दोनों साइड से 5.5 पॉइंट इंच पे मार्क करने के बाद में अब हम यहाँ पर ऊपर और नीचे साइड पे हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इन सब पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से इस शेप में जॉइन कर लेंगे लाइक ओवल शेप में सेंटर में अभी जो हमने शेप ड्रॉ किया अब हम उस पर स्टिच करेंगे और जो हमारे स्कर्ट का बॉटम है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अब हम सेंटर में एक नॉच लगाएंगे और वन फोर्थ इंच पे से इसे कुछ इस तरीके से कट करेंगे अब हम वेस्ट बेल्ट की कटिंग करेंगे टू फोल्ड पे हम थ्री इंचेस लेंथ और सेवन इंचेस विड्थ की एक स्ट्रिप कट करेंगे और कुछ इस तरीके से इसे जॉइन कर लेंगे अब वीडियो में ध्यान से देखिए कि इसे स्टिच कैसे करना है बेल्ट को स्कर्ट पे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वरना आप कुछ न कुछ मिस कर जाओगे वीडियो को जब आप बिना स्किप किए स्टार्ट टू एंड प्रॉपरली देखते हो तब आपको वो ट्यूटोरियल पूरा समझ में आता है आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं होता अगर आप जब भी स्किप कर कर के देखते हो तो आपका कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता है सो so मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को प्रॉपरली एंड तक देखिए बेल्ट यहाँ पे हमारा अटैच हो चुका है और कुछ पोर्शन हमने यहाँ पर खुला छोड़ दिया है ताकि यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें आपका जो भी वेस्ट राउंड है उसमें से थ्री या फोर इंचेस हम कम करते हैं इलास्टिक की लेंथ के लिए सो so, यहाँ पे मैंने 17 इंचेस का इलास्टिक लिया है अब मैं इसे इसमें इंसर्ट कर दूँगी और लास्ट में हम इलास्टिक को पैक कर लेंगे और जो पोर्शन हमने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा था वहाँ पर भी स्टिच कर देंगे सो आर क्यूट एंड ब्यूटिफुल हैंकर चीफ स्कर्ट इज़ रेडी टू वेयर आई होप यू ऑल लाइक दिस इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप शेयर योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब एंड आप भी इसे अपने लव वंस के लिए ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिए मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज